Hi friends, welcome to you all. Today I am going to make you people understand about the difference between the NRI, OCI and PIO. Okay? Difference between NRI, OCI and PIO. देखिए सिटीजनशिप पढ़ाने से पहले मैंने सोचा कि इनका जो अंतर है, ठीक है, NRI, OCI और PIO का, ठीक है, इसको क्लियर कर दूँ ताकि वो सिटीजनशिप का जो टॉपिक है वो छोटा रहे, वो इतना बड़ा ना हो जाए, ठीक है। इसलिए इसको दो भागों में बांट दिया। एक पहला आप कर देते हैं NRI, OCI और PIO को समझ लेते हैं और इसके बाद सिटीजनशिप को हम लोग समझेंगे, ठीक है, उसको अलग क्लास में दूसरे टॉपिक में समझाएंगे, ठीक है। पहले जो बेसिक डिफरेंस है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया और पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया एंड पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखिए इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा, ठीक है, कि पार्लियामेंट के अनुसार रेसिडेंट इंडियंस कौन है, कौन लोग प्रवासी भारतीय हैं, ठीक है। अगर हम लोग प्रवासी भारतीय को समझ जाएंगे तो अप्रवासी स्वयं समझ जाएंगे, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, ठीक है, आर्टिकल 11 जो है हमारा उसके अनुसार पार्लियामेंट को ये अधिकार है, ठीक है, कि वो समय समय पे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इंडियंस की परिभाषा को परिभाषित करते रहे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपना पॉलिसी निर्माण करे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हु इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हो गया नॉन रेसिडेंट इंडियंस। तो क्या हो जाएगा, हु इज ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट बजट 2020, ठीक है, इसके अनुसार देखिए एनी पर्सन who stays in India for 182 days in the previous financial year, that is 1 April or any person of
65 days or 4 financial years preceding to the previous financial year or and not less than 60 days. From the budget 2020 the period of 182 days was reduced to 120 days for the convenience of income tax. से जैसा कि हमने बताया, ठीक है, कि ये अधिकार, ठीक है, कि कौन लोग मतलब प्रवासी भारतीय हैं, ठीक है, इसको डिफाइन करने का और इससे रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि NRI है तो कुछ फैसिलिटीज मिलेगा, ठीक है, PIO और OCI है, ठीक है, तो सबका अधिकार, ठीक है, सबके अधिकार के रक्षा के लिए भी संविधान है, ठीक है, तो सबके अधिकार और सबके सुविधा के लिए, ठीक है, कि किस तरह का सुविधा किसको मुहैया कराना जाने किया जाना चाहिए, ठीक है, तो इस सबके को पास करने का अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, तो पार्लियामेंट ने 2020 में बजट 2020 में फिर से डिफाइन किया, ठीक है, कि एक कोई भी पर्सन, ठीक है, जो कि भारत में कम से कम 182 दिन रहता है, ठीक है, भारत में कम से कम 182 दिन यानी कि कम से कम 6 महीना भारत में है, ठीक है, इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले वित्तीय वर्ष में, ठीक है, वित्तीय वर्ष हम लोग कब से कब तक कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, 1 अप्रैल, जैसे कि देखिए किसी भी साल के अप्रैल, 1 अप्रैल से लेके, ठीक है, अगले साल के, ठीक है, 31 मार्च तक, ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ठीक है, और जब हम 31 मार्च 2020 का बात किए, ठीक है, फिर अगर हम 1 अप्रैल 2020 का लेंगे, ठीक है, तो अगले साल का हो जाएगा, ठीक है, तो 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 क्या हो गया, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हो गया, मैं इस साल की बात नहीं कर रहा, ये मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, बजट 2020, ठीक है, क्योंकि रेसिडेंट इंडियंस को प्रवासी भारतीय को डिफाइन किया गया, ठीक है, नए तरीके से, और दूसरा क्या है, और, ठीक है, कम से कम 182 दिन रहे भारत में और, ठीक है, या 182 दिन या, ठीक है, एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 दिन, ठीक है, वो भारतीय मूल के लोग जो कम से कम भारत में 365 दिन रुके हों, ठीक है, मतलब पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है, पिछले 4 साल, ठीक है, मतलब ये वाला, पिछले वाला जो ये है फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, उससे 4 साल पहले तक अगर 365 दिन रहा हो और इस साल कम से कम 60 दिन, माने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो है, अभी हम लोगों का कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 2022 का चल रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए 2021 से क्या हो गया, देखिए
1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 ये क्या हो जाएगा? करेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बात को समझे। ये हो गया 21, तो हम लोग कौन से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। ठीक है, तो कम से कम पिछला फाइनेंशियल ईयर से चार साल पहले तक का जो वित्तीय वर्ष था, ठीक है, उसमें कम से कम 365 दिन का भारत में स्टे होना चाहिए। ठीक है, और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 60 डेज का, ठीक है, कम से कम 60 डेज का अगर वो स्टे है भारत में, तो वो क्या हो जाएगा? प्रवासी भारतीय, यानी रेसिडेंट इंडियंस। और इस कंडीशन को फुलफिल अगर नहीं करता है तो क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। ठीक है, वो PIO भी हो सकता है। ठीक है, और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया क्या है? जिस भी पर्सन ऑफ जो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, जिसके दादा परदादा या उसके भी परदादा क्या थे? भारतीय मूल के थे। ठीक है, और वो जाके विदेश में बस गए। ठीक है, तो उसको ओवरसीज मतलब उसको अगर कार्ड मिलता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को अगर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का ये एक्चुअली कार्ड है। ठीक है, अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को कार्ड मिल जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कार्ड किस लिए मिलता है? कार्ड इसलिए मिलता है ताकि उनको वीजा लेने की बार बार आवश्यकता ना पड़े। जैसे अगर हम अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका से क्या लेना होगा? अनुमति लेना होगा, उससे वीजा लेना होगा। भारत से हमको पासपोर्ट मिलेगा कि ये मेरा सिटीजन है, ठीक है, और अमेरिका से हमको वीजा लेना होगा। तो अगर कोई भारतीय मूल के लोग हैं विदेश में हैं, उनको बार बार वीजा लेने का जरूरत पड़ेगा भारत आने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये कार्ड इश्यू किया जाता है। ठीक है, लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, कम से कम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 60 दिन का, ठीक है, उसका भारत में स्टे होना चाहिए। ठीक है, और पिछले चार साल, जो पिछला चार वित्तीय वर्ष था, उसमें कम से कम 365 दिन का स्टे है, तो वो क्या है? भारतीय है, मतलब प्रवासी भारतीय है। ठीक है, अगर इससे इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा? अप्रवासी, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया? करंट ये मतलब बजट 2020 में ये पास किया गया कि ये 182 दिन का जो टाइम पीरियड है, इस पीरियड को कम किया जाए। ठीक है, और इसको 120 दिन किया गया। ठीक है, इसको 120 दिन किया गया, 182 दिन को हटाया गया। ठीक है, मतलब जो पहले 6 महीने का था स्टे भारत में कम से कम, वो क्या हो गया? 120 दिन का हो गया। अगर इतना 182 दिन का पहले होता था तो क्या होता था? मतलब वो हो गया क्या? प्रवासी भारतीय हो गया। या अब क्या हो गया? जो कम से कम 4 महीने भारत में रह लेगा, ठीक है, 120 दिन रह लेगा, ठीक है, किसी भी वित्तीय वर्ष में, तो किस श्रेणी में आ जाएगा? प्रवासी भारतीय में, रेसिडेंट इंडियंस में। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, अगर उसको उसके पास ये मिल जाएगा, ठीक है, तो अनलिमिटेड समय तक रह सकता है आके। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वगैरह सब है, ठीक है, जो लोग करते हैं, ठीक है, इनकम है, तो फिर क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम टैक्स देना होगा, ये मैं अब आगे समझाता हूँ। ठीक है, इनकम टैक्स देना होगा तो NRI का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, ये सब एक प्रोसीजर है सिख, ठीक है, सिटीजनशिप लेने का। ठीक है, कोई भी फॉरनर इंडिया में आ जाए, ठीक है, अगर वो सर्विस में है, सरकारी सर्विस में है, या उससे रिलेटेड है, या फिर इंडिया में रहना चाहता हो, और किसी और कंट्री का, फॉरेन कंट्री का अगर वो सिटीजनशिप छोड़ दिया है स्वेच्छा से, और भारत का लेना चाहता है, तो स्टे करेगा भारत में। ठीक है, जो भी इसका प्रोविजन है उतने दिनों तक, तो उसके बाद नेचुरलाइजेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, नेचुरलाइजेशन, ठीक है, उसके थ्रू इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ सब हम लोग देखेंगे जब हम लोग नागरिकता पढ़ेंगे, यानी कि जब हम लोग सिटीजनशिप पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ अंतर समझा रहा हूँ कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये क्या है, इनका क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम देखते हैं, मैंने क्या कहा कि 182 दिन का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, जो कि बजट 2020 में था, से पहले था, बजट 2020 से पहले क्या था? 182 दिन का, इसको घटा के क्या किया गया? 120 दिन का। ठीक है, इसको घटाया इसलिए गया ताकि इनकम टैक्स जो है, ठीक है, वो सही समय पे, मतलब इनकम टैक्स के अंतर्गत लाया जा सके उनको। ठीक है, उनसे टैक्स लिया जाए। ठीक है,
से इनका जो सबसे बेसिक डिफरेंस है एनआरआई ओसीआई और पीआईओ के बीच में, ठीक है, वो क्या है? एनआरआई पीआईओ और ओसीआई, ठीक है, वो ये है, वो इस सेंस में है कि कौन टैक्स देता है और कौन टैक्स देने का अधिकार नहीं रखता है, ठीक है। तो एनआरआई जो है वो टैक्स देने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। अगर वो टैक्स देंगे, जैसे ही वो टैक्स देंगे तो उनको और क्या क्या मिल जाएगा? वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार मिल जाएगा, जो इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने इनहेरिट किया है बाप दादाओं से, जो उनको मिला है संपत्ति, उसको वो रखने के अधिकारी हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है। लैंड, नया लैंड नहीं खरीद सकते, ठीक है, हाँ इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते, ठीक है। अब जैसे कि अगर इंडस्ट्री बैठाना है तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन कृषि योग्य भूमि नहीं खरीदेंगे, ठीक है। जैसे कि आजकल भारत सरकार भी बढ़ावा देती है इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, और एनआरआईज को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहती है कि वो भारत को एक डेस्टिनेशन के रूप में देखें और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो भारत में, ठीक है। तो इसके लिए भी, तो देखिए एनआरआई जो है सो क्या होगा, ये टैक्स देंगे, ठीक है, किस पे देंगे, देखिए किस तरह के आमदनी पे, किस तरह के इनकम पे ये टैक्स देंगे वो देखिए, इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए ये इसको समझाने से पहले मैं बता दूं, ठीक है, एक सेकेंड, देखिए हमने लोगों ने इसको डिफाइन किया, ठीक है, कौन प्रवासी भारतीय होंगे, ठीक है, यानी कि कौन रेसिडेंट इंडियंस होंगे, ठीक है। तो देखिए जो रेसिडेंट इंडियंस होंगे, जो प्रवासी होंगे, ठीक है, उनको तीन तरह का टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, किस तरीके से वो देखिए। नंबर वन, इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अर्न आउटसाइड एंड रिसीव्ड आउटसाइड। इनकम अर्न इन इंडिया रिसीव्ड आउटसाइड, देखिए ये चार तरह का टैक्स है, ठीक है, जो कि सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी रेसिडेंट इंडियंस हैं, जो भी प्रवासी भारतीय हैं, जो यहाँ के मूल रूप से निवासी और यहीं पे रहते हैं, ठीक है, एक ही देश का जिनको नागरिकता प्राप्त है, इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, जिसको हमने कहाँ से बोरो किया है, कनाडा से, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। तो जिसको हम लोगों ने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया, ठीक है। तो यहाँ का सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ का सिटीजन होने के लिए क्या होना पड़ेगा,
किसी और का सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा तभी इस कंट्री का कोई सिटीजन होगा, ठीक है। तो अगर कोई सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो कि रेसिडेंट है, जो कि प्रवासी भारतीय है, तो उसको चार तरह का टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। इस सेंस में समझाते हैं इनको, NRI, OCI और PRI को, ठीक है। तो उनको चार तरह का टैक्स कौन कौन सा देना पड़ता है, देखिए, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है। भारत में मुझे आमदनी हुई और भारत में मैंने उसको पाया, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है, तो काम करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मैंने पैसा रिसीव किया बैंक के थ्रू, जैसे स्टेट बैंक के थ्रू या PNB के थ्रू मेरे अकाउंट में पैसा आया काम करने के बाद, तो ये पैसा, ठीक है, नंबर वन। नंबर सेकंड, इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, एंड रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, मैंने कहीं पर भी देश में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, और मैं रहता हूँ इंडिया में, ठीक है, तो वो पैसा मेरे अकाउंट में इंडिया आया विदेश से, जैसे अमेरिका में मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और इंडिया में मैं रिसीव करता हूँ, ठीक है, या मैं अमेरिका में काम करता हूँ, अपने परिवार वालों को भारत में पैसे भेजता हूँ, तो अर्न कहाँ पे किया मैंने, अमेरिका में, और भेजा कहाँ, इंडिया में, ठीक है। तो इनकम अर्नड आउटसाइड, ठीक है, भारत के बाहर इनकम हुआ, ठीक है, और रिसीव कहाँ पे हुआ, इंडिया में, ठीक है, तो ये दूसरा। और तीसरा क्या है, इनकम अर्नड आउटसाइड, ठीक है, मतलब बाहर में इनकम हुआ, ठीक है, और रिसीव भी बाहर में हुआ, जैसे कि मेरे पास नागरिकता अमेरिका का है, ठीक है, मैं अमेरिका का सिटीजन हूँ, ठीक है, भारतीय मूल का हूँ लेकिन भारत का सिटीजन नहीं हूँ, किसका सिटीजन हूँ, अमेरिका का, ठीक है, मेरे पास अमेरिकन सिटीजनशिप है और मैंने इन्वेस्टमेंट दुबई में किया, ठीक है, और दुबई में जो मेरा प्रॉपर्टी था उसको मैंने सेल किया, ठीक है, तो दोनों क्या है, अब्रॉड है, ठीक है, दोनों इंडिया से बाहर हुआ, ठीक है, तो मैंने दुबई का जो फ्लैट था उसको बेचा और अमेरिका में रिसीव किया, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, बाहर, ठीक है। तो देखिए, इनकम अर्नड आउटसाइड एंड रिसीव्ड आउटसाइड, ठीक है, और ये चौथा क्या हो गया, इनकम अर्नड इन इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड, ये चौथा क्या है, भारत में अर्न किया, ठीक है, और पाया कहाँ, विदेश में, जैसे कि मैं NRI, ठीक है, मेरे पिताजी ने यहाँ फ्लैट खरीद दिया था, ठीक है, अब मैं यहाँ नहीं रहता, मैं अमेरिका में रहता हूँ, ठीक है, और यहाँ का रेंट, मकान का जो रेंट है वो मैं कहाँ पे लेता हूँ, अमेरिका में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अर्न कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में, आ कहाँ से रहा, इंडिया से, ठीक है, और मैं पा कहाँ पे रहा हूँ, अमेरिका में, ठीक है, तो इस तरह का जो इनकम होगा, ठीक है, ये सब टैक्सेबल इनकम होगा। लेकिन अब NRI के सेंस में देखते हैं, ठीक है, NRI कौन होगा, जो लोग टैक्स पे करते हैं, ठीक है, अब देखते हैं, जो भारतीय होंगे प्रवासी है, ठीक है, वो इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी सब उन पे लागू होगा, ठीक है, ये और ये तीनों क्या हो जाएगा, NRI के लिए, तो देखिए NRI जो होगा, ठीक है, उसको इन तीनों तरह के इनकम पे टैक्स देना होगा भारतीय गवर्नमेंट को, ठीक है, भारतीय गवर्नमेंट को जो NRI होगा वो इन तीनों पे, अगर इनकम भारत में जनरेट हुआ और भारत में ही रिसीव किया गया तो भी, अगर इनकम भारत के बाहर अर्न किया गया और भारत में रिसीव किया गया, ठीक है, तो भी टैक्स देना होगा, और अगर इनकम, ठीक है, भारत में अर्न किया गया और बाहर रिसीव किया गया, ठीक है, तो इन तीनों केस में NRI को भारतीय सरकार को देना होगा, ठीक, टैक्स। लेकिन अगर इनकम अर्नड आउटसाइड, ठीक है, एंड रिसीव्ड आउटसाइड है, तो NRI को टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। ये चारों चीज किसके लिए था, जो प्रवासी भारतीय हैं उनको, तो जो NRI होगा उसको भी टैक्स देना होगा, ठीक है, इस सेंस में, ठीक है। और जो पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन है, सिर्फ पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो टैक्स पे नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने OCI का कार्ड नहीं लिया है, ठीक है, वो कम दिन आके रुकते हैं, अगर आते भी हैं तो टूरिज्म पर्पस से आए हैं, ठीक है, घूमने के लिए, फिरने के लिए, या बिजनेस पर्पस से भी आए, लेकिन आए और चलते बने, ठीक है, तो एक मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो सिर्फ डिफरेंस है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एनआरआई जो है, ठीक है, ये बाहर जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस, मैरिज, ठीक है, एजुकेशन, ईटीसी, सी विथ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बॉन्डिंग वर्ल्ड क्लोजर। जैसे ही टेक्नोलॉजी तकनीक का विकास हुआ अधिक से अधिक, विश्व क्या हो गया, सिमट गया, ठीक है। तो भारत के लोग, ठीक है, विश्व में कोने कोने में, ठीक है, कोई भी ऐसा द्वीप या कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे भारतीय लोग नहीं है, ठीक है। तो ये किस पर्पस से बाहर जाते हैं, ठीक है, एनआरआई जिनको दर्जा मिल जाता है एनआरआई का, वो किस पर्पस से जाते हैं भारत से बाहर। माइग्रेशन क्यों होता है, माइग्रेशन होता है एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से, ठीक है, मैरिज के लिए और एजुकेशन के लिए, ठीक है। और चौथा टाइप भी है, और भी बहुत सारा है। अब जैसे कि कोई टूरिज्म के पर्पस से भी जाता है, बहुत सारे लोग इसके लिए भी जाते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए, बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए भी, हेल्थ टूरिज्म भी है और ऐसे टूरिज्म भी है, पर्यटन भी है, ठीक है। पे टैक्सेस टू इंडियन गवर्नमेंट, हैविंग वोटिंग राइट, can stand for any public offices, like PM, President, Chief Minister, Attorney General, etc. can undertake mountaineering missionaries research and can travel anywhere। देखिए जो चीफ डिफरेंस है वो ये है कि एनआरआई के पास क्या क्या सुविधाएं हैं। देखिए एम्प्लॉयमेंट पर्पस से ये बाहर जाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, मैरिज, चाहे एजुकेशन के पर्पस से, ठीक है। ये टैक्स पे करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, एनआरआई जो, ठीक है। इनके पास वोट करने का अधिकार है, ठीक है, इनके पास नहीं है वोट करने का अधिकार, ठीक है, मैं अंतर स्पष्ट करता हूँ, ठीक है। हैविंग वोटिंग राइट, इनके पास मत देने का अधिकार है, ठीक है। कैन स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिस, ये किसी भी सरकारी सेवा के लिए, ठीक है, खड़े हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सीएम, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, और भी जितने डिग्नेटरीज का ऑफिस है वहाँ पे ये लोग, इन लोगों के लिए रिजर्वेशन है, ये लोग खड़े हो सकते हैं, ठीक है।
कोई रोक टोक नहीं है, रिजर्वेशन नहीं कहेंगे, इनके लिए खुला है जैसे हम लोगों के लिए खुला है उसी तरह खुला है। और क्या है, कैन अंडरटेक माउंटेनियरिंग, ठीक है, पर्वतारोहण वगैरह जो है वो सब इनके लिए बैन नहीं है। पर्वतारोहण चाहे धर्म के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कोई मिशन निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं, रिसर्च वर्क कर सकते हैं, ठीक है, और कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, इसके लिए कोई परमिशन इनको नहीं लेना होगा। FRO मतलब क्या है, FRRO क्या है, ठीक है, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRRO या FRO, ठीक है, ये एजेंसी है जहाँ से अनुमति लेना पड़ता है, ठीक है, किनको, PIO और OCIO को, ठीक है, मतलब फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, भारत में घूमेंगे, ठीक है, तो या ज़्यादा दिन का स्टे करना होगा तो इस ऑफिस से, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को, ठीक है, चाहे ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, ठीक है, लेकिन NRI को परमिशन लेने का, इसको परमिशन लेने का इससे जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ये हुआ, ठीक है, और इसमें इसके साथ साथ और भी है, ठीक है, और क्या है इनमें NRI में, देखिए ये NRI जो है ये बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ये NRI जो है वो बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, किन किन तरह का, तीन तरह का, ठीक है, NRO, NRE एंड FCNR, ठीक है, बैंकों में जो NRI का जो अकाउंट खुलता है वो इस तरीके से, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल और FCNR फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट। देखिए जो NRI है वो उनका बैंक अकाउंट खुलेगा किस रूप में, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, ठीक है, और NRE नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, और FCNR, ठीक है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट, ठीक है, ये तीन तरह का अकाउंट NRI का खुलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, Dear ward can take admission at any educational institution in India to pursue medical science engineering MBA law it is। देखिए एक तो ये लोग क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट भारत में खोल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इनके बच्चे एडमिशन पा सकते हैं, ठीक है, NRI कोटा से एडमिशन मिलता है लॉ MBA कॉलेजों में, ठीक है, भारतीय इंस्टीट्यूट में, तो ये सारा चीज़ क्या है, डिफरेंस है जो NRI को इनसे अलग करता है, ठीक है। NRI वो लोग हो गए जो परमानेंटली अभी फिलहाल नहीं रह रहे हैं, ठीक है, अपने रोजगार सृजन के लिए वो भारत से बाहर हैं, ठीक है, लेकिन भारत उनका आना जाना लगा रहता है, ठीक है, ठीक है, और वो
भारत में पैसे जनरेट भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ठीक है, भारत सरकार को टैक्स भी देते हैं, वोटिंग करने का भी अधिकार है, ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है एनआरआई के पास। और पीआईओ क्या हो गया, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओसीआई क्या हो गया, ये भी हो गया ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें देखिए पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या हो गया, एनी पर्सन who held Indian passport any time, number second में he और his parents grandparents और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वेयर सिटीजन्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द provisions of Government of India Act 1935, ठीक है, belonged to any territory that became part of India except Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, China, Bhutan, Nepal, and Sri Lanka. देखिए पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन में क्या आ जाएगा, ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनके पास कभी भी भारत का पासपोर्ट रहा हो, ठीक है, भारत का पासपोर्ट उनके पास कभी रहा हो, ठीक है, या ऐसे व्यक्ति, ठीक है, जिनके पिता चाहे जिनके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, चाहे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, या ऐसे व्यक्ति, ठीक है, जिनके पिता, ठीक है, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, भारत के नागरिक थे, ठीक है, 1935 के एक्ट के अनुसार, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो गया, बंटवारा हो गया, ठीक है, सपोज कीजिए 1947-48 में क्या हो गया, ठीक है, तो 1935 के एक्ट के अंतर्गत क्या थे, सिटीजन थे भारत के, ठीक है, या बंटवारा हो गया, चाहे क्या हो गया, वो कहीं और चले गए, 1935 का एक्ट बना, उसके बाद क्या हो गया, वो कनाडा चले गए, चाहे इंग्लैंड चले गए, जाके बस गए, तो 1935 के एक्ट तक वो क्या थे, भारत के नागरिक थे, ठीक है, 1935 के बाद वो चले गए, तो यहाँ पे ऐसे समझना होगा, ठीक है, लेकिन 1935 तक वो क्या थे, भारत के थे, नागरिक थे, ठीक है, belong to any territory that became part of India, ठीक है, किसी कोई भी ऐसा भाग, ठीक है, जो भारत का अभिन्न अंग बन गया, ऐसा हिस्सा, कोई भी ऐसा टेरिटरी जो भारत का अभिन्न अंग बन गया, जैसे सिक्किम हुआ,
ठीक है, और भी बहुत सारा था, गोवा हुआ ठीक है, सिक्किम, गोवा, दादर है, नागर हवेली ठीक है, ये सब भारत में आके मर्ज हुआ ठीक है। तो ऐसा टेरिटरी, लेकिन वो नागरिक कहाँ का नहीं होना चाहिए ठीक है, ठीक है, बिलोंग टू एनी टेरिटरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया ठीक है। सिक्किम वगैरह को क्या है, भारत में मर्ज हुआ तो क्या हो गया, नागरिकता मिल गया, सिटीजनशिप मिल गया वहां के नागरिकों को। तो यहाँ पे इसीलिए क्या लिखा, एक्सेप्ट, अपवाद में क्या है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका ठीक है। तो ये जो 7 कंट्री है, इनके जो नागरिक है वो नहीं ठीक है, इनको छोड़ के, मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका, इसको छोड़ के ठीक है। और उनका अगर कोई वाइफ है ठीक है, तो जैसे इंडियन ओरिजिन का आदमी है और किसी से शादी कर लिया, किसी फॉरनर से ठीक है, तो उसका जो स्पाउस होगा, उनकी जो वाइफ होगी, वो भी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड ले सकती है, कार्ड होल्डर बन सकती है ठीक है। तो ये क्या है, मेनली कार्ड, और ये क्या है, ये भी कार्ड है। जो लोग विदेशों में चले गए, भारतीय मूल के थे, लेकिन जिनको लगा कि नहीं मेरा संस्कृति और सभ्यता है और भारत से जो जुड़ाव रखना चाहते हैं ठीक है, तो वो लोग PIO कार्ड बनवा लेते हैं और इन ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड बनवा लेते हैं ठीक है। तो ये कार्ड बनवाने पे क्या होता है कि जैसे PIO का कार्ड है ठीक है, तो एक बार हम बनवा लिए ये कार्ड, तो 15 साल तक हमको किसी तरह का वीजा भारत सरकार से दोबारा नहीं बनवाना पड़ेगा ठीक है। और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड क्या है, ये लाइफ टाइम के लिए है, एक बार मैंने बनवा लिया तो फिर कभी वीजा की आवश्यकता, भारतीय गवर्नमेंट से हम मुझे वीजा लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी ठीक है। और अगर PIO कार्ड है मेरे पास तो वीजा कई बार बनेगा, एक बार बनेगा ठीक है, मतलब अगर ये कार्ड है हमारे पास तो वीजा 15 साल तक बनवाने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन का अगर कार्ड है ठीक है, तो 15 साल तक भारतीय वीजा का बनवाने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर OCI कार्ड है ठीक है, तो लाइफ टाइम वीजा का कोई आवश्यकता नहीं है ठीक है। वीजा किसको लेना पड़ता है, दूसरा जो सिटीजनशिप है, जैसे मैं अमेरिका जाऊंगा तो अमेरिका से क्या लेना होगा, वीजा लेना होगा कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ किसी खास पर्पस के लिए, जैसे टूरिज्म के लिए, हेल्थ टूरिज्म है, चाहे ऐसे ही पर्यटन के लिए जा रहे हैं ठीक है, चाहे एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो वैलिडिटी होता है उस पर इतने दिनों के लिए ठीक है। तो यहाँ पे अगर PIO कार्ड है तो 15 साल के लिए फ्री है, वीजा नहीं लेना पड़ेगा, और अगर OCI कार्ड है तो लाइफ टाइम में कभी भी भारत से वीजा नहीं लेना पड़ेगा, नहीं बनवाना पड़ेगा ठीक है। और अपने स्टे के लिए FRO से ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा ठीक है। अगर कोई और किसी और कंट्री का अगर सिटीजन आया ठीक है, फॉरेन नेशनल आया, सिटीजन आया, तो उसको FRO में, जैसे कि अगर वैलिडिटी है 60 दिन का ठीक है, और 60 दिन से एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उसको तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन, चाहे FRO जो फॉरेन रीजनल ऑफिस है, वहाँ पे आके सूचना देना होगा ठीक है। लेकिन PIO कार्ड होल्डर और OCI कार्ड होल्डर है तो उसको सूचना नहीं देना पड़ेगा ठीक है। तो देखिए, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन में क्या आ गया, एनी पर्सन हु हैव इंडियन पासपोर्ट एनी टाइम, कभी भी भारत का उसके पास पासपोर्ट रहा हो ठीक है, या ऐसे व्यक्ति जिनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ठीक है भारतीय थे, भारतीय नागरिक थे ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ठीक है। 1935 के बाद उनके माता पिता बाहर चले गए, दूसरे कंट्री के में चले गए, वहां का नागरिकता ले लिया ठीक है, लेकिन वो लोग इन कंट्री के नहीं होने चाहिए। किन कंट्री के, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, इनको छोड़ के ठीक है। और अगर उन्होंने कहीं किसी दूसरे कंट्रीज में जाके किसी और कंट्री के आदमी से शादी कर लिया, तो उनकी जो वाइफ होगी उनको भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन समझा जाएगा ठीक है। अब देखते हैं OCI का ठीक है, एनी पर्सन हु वाज एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया
that became part of India after except देखिए अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड किनको बनेगा, ठीक है, कोई भी फॉरनर होगा, ठीक है, कोई भी फॉरनर, ठीक है, जिनके माता पिता एलिजिबल थे, ठीक है, या जो स्वयं भी एलिजिबल थे 1950 में जो जब हमारा संविधान बना, ठीक है, लागू हुआ संविधान, जो कि हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी, ठीक है, 1950 को, ठीक है, जो लोग भी 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक बनने की एलिजिबिलिटी रखते थे, ठीक है, भारतीय नागरिक बनने की योग्यता रखते थे, ठीक है, वो कहाँ पे आ जाएंगे, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, या ठीक है 26/1/1950 को रखते थे योग्यता, या ऐसे आदमी, ठीक है, जो योग्यता कब रखते थे 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद, 1950 के बाद, ठीक है, और बिलोंग टू एनी टेरिटरी दैट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, और या फिर किसी ऐसे टेरिटरी से हिस्सा रखते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में मर्ज हुआ, ठीक है, तो उसमें कंडीशन क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के, ठीक है, बाकी कंट्रीज का, ठीक है, तो ये हमारा जो है सो हमने डिफाइन किया, NRI क्या है, PIO क्या है, और OCI क्या है, अब इनको क्या क्या सुविधा मिलता है वो बताते हैं। जैसे मैंने इसमें कहा कि इनके लिए माउंटेनियरिंग, ठीक है, रिसर्च, ठीक है, और कहीं किसी भी एरिया में जा सकते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड इनके लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन इनके लिए क्या है, माउंटेनियरिंग, मिशनरीज और रिसर्च वर्क में ये हिस्सा नहीं लेंगे, ये दोनों में कोई, ठीक है, वोटिंग का अधिकार इनके पास नहीं होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड खरीदने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है, तो इनको अधिकार किस किस तरह का दिया गया इन दोनों को, PIO और OCI को, ठीक है, देखिए प्रायर अप्रूवल फ्रॉम FRRO और FRO, ठीक है, FRRO क्या हो गया, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, कोई फॉरेनर आया भारत में, ठीक है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, अगर दिन मतलब एक्सटेंड कर रहा है, मतलब जो वैलिडिटी था उनका वीज़ा का वो अगर एक्सपायर करने वाला है तो उनको अप्रूवल लेना पड़ता है, तो या नज़दीकी में जाकर सूचना देना पड़ता है रीजनल ऑफिस में, तो उसको कहते हैं, ठीक है, प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द FRRO और FRO फॉर द पर्पस ऑफ माउंटेनियरिंग मिशनरीज रिसर्च वर्क और टू विजिट रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड एरिया, ठीक है, तो ये समानता हो गया PIO कार्ड होल्डर और OCI कार्ड होल्डर का, कि ये दोनों इसमें नहीं जा सकते, ठीक है, और क्या है, कैन नॉट परचेज एग्रीकल्चरल लैंड,
ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़ के ये जमीन खरीद सकते हैं किसी और पर्पज से, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ये जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड खरीद नहीं सकते, एग्रीकल्चर पर्पज से जमीन नहीं कर सकते खरीद सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर इनको बाप दादाओं से मिला हुआ संपत्ति है जो इंडिया में है तो उसको इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते, ठीक है। फाइनेंशियल 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 इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल राइट्स ओनली। देखिए, इनके पास सिर्फ फाइनेंशियल इकोनॉमिक और एजुकेशनल राइट्स होगा, इसके अलावा कोई राइट नहीं होगा इन दोनों के पास, ठीक है। और क्या सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है, और सिमिलैरिटीज ये हैं, इंटर कंट्री एडॉप्शन चाइल्ड ऑफ इंडियन ओरिजिन, देखिए इसमें इंटर कंट्री एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड ऑफ इंडियन ओरिजिन, जैसे कि विदेश में है, ठीक है, मतलब कपल है विदेश में है, ठीक है, और उसको कोई अपना बच्चा नहीं है, ठीक है, और वो भारतीय किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है, ठीक है, तो भारत का जो जो भी कानून है इसके लिए, ठीक है, बच्चा गोद लेने के एडॉप्शन का जो भी लॉ है वो समान रूप से दोनों पे लगेगा, पीआरओ पर और ओसीआई पे भी और एनआरआई पे भी, ठीक है, इसके अलावा बाकी सब सिमिलैरिटी है, ठीक है, लेकिन इनके पास जो अधिकार होगा रेस्ट्रिक्टेड होगा। देखिए, माउंटेनियरिंग वगैरह नहीं कर सकते, मिशनरीज नहीं, रिसर्च नहीं, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, लेकिन एजुकेशनल क्षेत्र में रहेगा, मैंने क्या कहा, फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल राइट्स रहेगा, ठीक है। हाँ, पीआईओ कार्ड होल्डर है, ठीक है, तो नो नेसेसिटी ऑफ वीजा फॉर 15 ईयर्स, ठीक है, मतलब वीजा का कोई जरूरत नहीं होगा 15 साल तक, और ओसीआई वाला है अगर, ठीक है, ओसीआई वाला है, ठीक है, तो लाइफ टाइम, नो वीजा फॉर लाइफ, आके घूम फिर सकते हैं, वीजा की आवश्यकता नहीं है, ओसीआई कार्ड होल्डर है तो, ठीक है। चलिए, ये हमारा था डिफरेंस, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, सिटीजनशिप पढ़ेंगे, ठीक है।